तो प्रजा पालन मेवाड़ नाथ तपुधारी नाथ तपुधारी। हे हिंदवासुर महाराणा उदयपुर भारी। तो हे हिंदवासुर मेवाड़ नाथ तपुधारी। शंकर भगवान की जय हो। बंधु, 14वीं 15वीं शताब्दी की बात है, जिन टाइम महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ ने छोड़ और किन्हीं कारणवश आप उदयपुर बसावे, उदयपुर बसावे और उदयपुर में आप महल बनावे, जन चंगा महाकाल का एम भगवान शंकर एकलिंग जी वरदान दियो, वटी अपनो महल बनावे, राजमहल में खुशियों रहता है। अब एक दिन महाराणा घूमने वास्ते आप नारे मंगरे पधारे, रस्ता रे मायने महाराणा जो कई देखे जो आप सुनो। महाराणा उदय सिंह सेल शिकार पधारे, शिकार पधारे, हाथी घोड़े संग दास दास के सारे। चलता चलता ए द्वारे डेबारी पधारे, ओ डेबारी पधारे, यहाँ देख अचंभो प्रणधारी तो प्रणधारे। देवड़ारी आवेदी देवड़ारी, हे हिंदवासुर महाराज उदयपुर। डेबारी द्वार पे महाराणा कई अपने मन में विचार करे और एक लड़की देवड़ा सरदारा की माने देखे, जिके माते दूध की चरवी और दो गाय का बच्चा हाथ रे उठाई रखिया। गाय का बच्चा महाराणा की सवारियों जो भड़क जावे, डर जावे तो हाथ में उठावे और फिर महाराणा विचार करे, रे भाई सरदारा सुनो। फिर सरदारा ने समझाए राणा जी बतलावे, महाराणा बतलावे, महाराणा उदय से ब्याह करनो चावे। झटपट लगन दिखाए ब्राह्मण ने बुलावे, ओ ब्राह्मण ने बुलावे, महारानी देवड़ी ने प्रण मेल मेलावे। ऐ झटपट ब्राह्मण ने बुलाए लगन दिखलावे, लगन दिखलावे, महारानी देवड़ी प्रण मेल मेलावे।
भगवान की जय हो। महाराणा विचार करे रे भाई, इन लड़की रे साथ अगर आप विवाह करेंगा तो बड़ो अच्छा रहेगा। कारण अणी में इतनी शक्ति है कि दो बछलिया ने हाथ में उठे रखिया है, माथे दूध की चर्बी है, फिर आरी संतान वेगा तो कितनी जोरदार वेगा, कितनी बलशाली वेगा। वो विचार कर और महाराणा सरदार ने कहे, सरदारा मैं अना के साथ शादी करूंगा। प्रण कर दो। अशोक प्रण कर लेवे और उन टाइम सभी सरदार के वे हुक्म जैसी रावल इच्छा है और रावल हुक्म है, उन टाइम ब्राह्मण ने बुलावे और आपका लगन पत्रिका देख और महारानी देवड़ी के साथ व्याह करे और फिर अपने मेल मिलावे। शादी के बाद आपके संतान जो वे आज कितनी शक्तिशाली वे, फिर राजमहल में जन्मे कंवारे शुभकारी, कंवारे शुभकारी जोशी समान ताप बड़े तपधारी, फिर राज मेला में जन्मे कंवारे शुभकारी, कंवारे शुभकारी जोशी समान महाराणा प्रताप तणधारी। चित्रकूट उदयपुर हर्ष मनावे, तो चित्रकूट उदयपुर हर्ष मनावे, दासी दास सब हर्ष मंगल गावे, शुभकारी हुआ शुभकारी है हिंदुआ सूर्य मेवाड़ नाथ तपदारी, शंकर भगवान की जय हो। दरबार उदय सिंह के राजमहल ने भाई ने एक कमर शुभ टाइम जन्मे, जो कहो जन्मे जननी जने तो एड़ो जन के महाराणा प्रताप, अकबर सुदाओ जिके तो जाने खड़ो सिराने सांप, जननी जने तो ए वो जन के दाता के सू, नहीं तो रिजे बांजड़ी तू मत ना गमा दे नूर। महाराणा प्रताप एक सिंह के समान बड़ा तेजस्वी और सूरवीर प्रणधारी प्रणपालक ऐसे महाराणा पैदा हुआ। आपको दरबार उदय सिंह को देवलोक विवाह के बाद राज तिलक कुंभलगढ़ में विवे पलित रहू अच्छी तरह अपने राज्य की शासन ने संभाले और महाराणा का राज्य की कीर्ति यश पूर्व मेवाड़ तो है लेकिन देश विदेश तक पहुंचे। यस आप रो तो दिल्ली मैने गावे जिराज,
आप रो तो दिल्ली तक गावे दीदारे, मेवाड़ा आपने दिल्ली मैंने खोज को हाथी घोड़ा रथ खोज को सभी रे बात रो तो ठाट अकबर रे सामे घणो जस गावे दिराज रथ पाल की सभी रे बात रोज ठाट अकबर रे सामे घना जस गावे जीराज ओ मेवाड़ा आपने दिल्ली मैंने जाने जीराज सो जा था ने मैं जाने दीराज बोलो शंकर भगवान की जय हो। मेवाड़ की कीर्ति यस। दिल्ली में अकबर जो शहंशाह शासन करता है अकबर के सामने या कहवे कि मेवाड़ रे मायने महाराणा प्रताप आपकी राजधानी और मेवाड़ को राज एकस्यो है जो सब सूर्यवंश चमकी रो है। तो उन टाइम अगर भी देखे कणी दिन देखांगा भाई घूमता फिरता एक बार जोधपुर का कंवर मानसिंह जी कुंवर साहब घूमता फिरता उदयपुर पहुंचे तो दरबार आपने उदय सागर की पाल रे माथे बना का तंबू डेरा लगाया और उठने वाला ने रुकवारे वास्ते स्थान दियो। अरे नहीं मिलवाने जाए कवन सोनी मिलवाने जाए रे उदिया सागर पाल पे राणा दियो ए जी ए जी। ए उदिया सागर पाल पे मारा शंकर भगवान की जय हो। कंवर मान सिंह जी आप पधारे तो राणा के मन में एक बड़ो क्रोध आवे कारण कि आप अकबर रा शासन में काम करता है। हाँ जी तो उन टाइम ने मायने राणा विचार करे और अमर सिंह राजकंवर ने भेजे जाओ बना की अगवाणी करो थे और हमारी अगवाणी में आप जाओ। फिर राजकंवर अमर सिंह जी पधारे और आपको अच्छा सम्मान करे बड़े प्रेम मान से झाला साहब ने अपने रावण में महल में बुलावे। राजा मेवाड़नाथ आपने संग बैठ और भोजन करते समय कुछ वाद विवाद भी जावे सरदारा में आप भोजन नहीं करे तो बैठ भोजन नहीं करे सा। मान सिंह बोले सा आप हमारे साथ भोजन करवा रो नहीं कारण कही है आप भोजन नहीं कर रहा हो तो इनका मतलब है। बोले मान सिंह कुंवर साहब आप जो एक अकबर शासन में गुलामी कर रहे हो और हमारे किए के अनुसार आप चल रहे हो
आप अपन जननी एम मातृभूमि ने जन्म लेन लजई है। हाँ मुगलो नमक पानी खाओ आप हैं। इंद्र वास से मैं आपके साथ भोजन करा वालो नहीं हूँ। कटारी की तरह कुंवर मान सिंह जी की याद बात छुपे और उन टाइम भोजन भी नहीं करें उठ जावे। महाराणा ने याद दिलावे और कहे महाराणा अब की बार जो अभी मिलेंगा तो एक रण संग्राम में मिलेंगा और आप हमेशा के वास्ते अपने युद्ध की तैयारी कर जो। चेतावनी दी महाराणा ने। हाँ साहब। और फिर कुंवर मान सिंह उठ रवन्ना भी जावे। भरियारी सरे माय रे झटपट दिल्ली आविया महाराणा भरिया कान। अरे मत माता हसी जू फिरे एकलो महाराणा हे मत माता हसी जू घूमे एकलो महाराणा ए जी अपमान मारो वटे करियो घणो अपमान ए कई नी रे हम जे अकबर साहब ने ए जी ए बोलो शंकर भगवान की जय हो। कुंवर मान सिंह जी आप दिल्ली पहुंचे जल्दी दरबार में जावे और अकबर रे सामने इन्हें अकबर के सामने या दरखास्त रिपोर्ट पेश करे फरियाद करे। बोले हुकम मेवाड़ रे मायने महाराणा प्रताप एक सिंह के समान मद माता अस्थि जो घूमे है आप रो कोई डरनी है। अकबर साहब के भाई और कुछ है इन्हें भी देखा जल्दी हूं एक पत्र लिखे और उदयपुर भेजे। एक लिख परवानो दिल्ली नगर से आयो जी नगर से आयो एक लिख परवानो दिल्ली नगर से आयो महाराणा मेवाड़ ने दिल्ली तुरत बुलायो तो फिर भर परवानो राणा क्रोध भर आया क्रोध भर आया पाछो लिख परवानो दिल्ली तुरत पहुंचाया यो भण परवानो महाराणा क्रोध में आया जी क्रोध में आया लिख परवानो पाछो दिल्ली नगर में पहुंचाया मैं कायर नहीं हूं युद्ध लड़ूंगा भारी लड़ूंगा बड़ो भारी हे हिंदवासुर मेवाड़ नाथ तपुरारी
शंकर भगवान की। दिल्ली हूं, एक जो पत्र आवे और भी पत्र में लिखे कि महाराणा जल्दी हूं जल्दी दिल्ली दरबार में पेश हो, ओ पत्र पढ़ और महाराणा बड़ा क्रोध में हो जावे, गुस्सा में आवे और बोले कुंवर मान सिंह आज जैन है जो कार्य क्यों है। आ, बात बड़ी है। जल्दी हूं परमानु लिखी वापस भेजे कि मैं कोई कायर नहीं हूं और मैं आपकी आधीनता स्वीकार करवा नहीं हूं, फिर आपकी इच्छा है अगर आप युद्ध भी करना चाहो तो मैं तैयार हूं। ओ परवानो, अकबर रे दरबार में पहुंचे और अकबर भी बड़ा विचार में पड़ जावे। अकबर रे दरबार में जो परवानो पहुंचे तो देखे रे भाई चलो अब इन्हें सबक बताना पड़ेगा, तो फौज ले और कुंवर मान सिंह ठीक उदयपुर के वास्ते रवाना हो जावे। अरे चढ़ी दिल्ली री भारी फौज मारे चढ़ी रे दिल्ली रे रे भारी फौज आई ने मेवाड़ा ने तेरो दे भारी फौज भाई रे चढ़ी दिल्ली भारी फौज भाई रे मेवाड़ा ने हेलो पाड़ी रे अरे सुरो वे तोरे सामू आवराना सुरो वे तोरे सामू आव कायर वे तोरे भाग जावे धोरे दी अबे सुरो वे तोरे सामुआ वराना सुरो वे तोरे सामुआ कायर वे तोरे पड़ जा पाव मेरे दी अकबर री भारी फौज राणा आई रे अकबर रे भारी फौज सियाड़ो वे तोरे बढ़ जा पीज रे रे दी सियाड़ो वे तोरे बढ़ जा पीज रे रे दी अरे बैठा रजवाड़ा रानू रान भाई रे बैठा रजवाड़ा रे रानू रान केवे रजवाड़ा मारे सामड़ो रे और शंकर भगवान की। दिल्ली री फौज तूफान की तरह चढ़ और आप उदयपुर की सीमा में डेरा दे देवे और नू तो देवे नेड़ो देवे तेड़ो देवे भाई थाने बुलाया है राणा चढ़ी दिल्ली री फौज राणा चढ़ी दिल्ली री फौज और राणा मेवाड़ा ने हिला पाड़ियो सुरो वे तो सामे आव और कायर वे तो प्रजा पाव में अगर तू सुरो है तो अपनी फौज ले और लरवर वास सामे आओ और नहीं तो पिंजरे भर जाओ। तो उन समय सभी रजवाड़ा भेड़ावे वे होड़ा बत्तीसा अरदाव उमराव सब बैठे और महाराणा ने कहे महाराणा मातृभूमि की रक्षा करनी है प्राण जाए तो भले जाए। तो सभी रजवाड़ा हरदार उमराव बात करे और विचार करें के वे अरे बेटा रजवाड़ा राणू राण भाई रे बेटा रजवाड़ा राणू राण राणा ने केवे साम रे अरे दुनिया में मरणो है एक बार माने दुनिया में
एक नवार दुनिया में मरणो है एक नवार बेने परेशान मेरे भगवान की हो। सभी रजवाड़ा के वे हुकुम डरवा की तो कोई जरूरत है नहीं, और आप चिंता मत करो, मैं सभी हरदार उमराव और या मेवाड़ की भील को और सभी सेना आपके साथ है, मेवाड़ आपके साथ है, और आप चिंता मत करो, मैं सब आपके साथ हाँ। तो उन समय महाराणा ने एक जोश आवे और आपने धीरज बंधावे और फिर कहे कि आपको कमी नहीं है, आपकी फौज जल्दी रवाना कर दो। महारानी बोले हुकम, आप यंग में बता रहा हो और युद्ध में बता रहा हो नहीं। हाँ रानी साहब, जानो तो पड़ेगा। मेल में खड़ा महारानी जी महाराणा निके वे महारानी उबा रंग मेल में दासी दास सेवा माये महाराणा जी ने रानी समझावे गिराज महाराणा जी रानी ने समझावे महाराणी उबा रंग मेल में दासी दास अपार महाराणा जी रानी ने समझावे गिराज मेवाड़ा है तो रानी ने बतावे गिराज अकबरेरी सेना माते गाजरी अकबरेरी सेना माते गाजरी रानी साहड़ दी गाटी रे माया रानी सामाने झगड़ा में जानो गिराज कमरान जतनौ राख जो कमरान जतनौ राख जो आज शिव तारे वांगा मलशाय ए खुशी सू रानी सा सीख दे रामो जिराद ए खुशी से माने सीख दिराबो दिराज कमरान घना पावड़ रात तो रानी सा जीवतारे वा तो मलशाय शिशु माने सीख महाराज
रानी उबारंग में दासी दास सेवा माय महाराणा जी रानी ने समझावे दिला महाराणा जी तो रानी ने समझावे दिला महारानी जी अकबर री सेना हल्दी घाटी रे मायने आई और युद्ध के वास्ते ललकार रही है और मैं कायर नहीं हूं मैं कोई बने की बात सुनवा वालो नहीं हूं इरे वास्ते आप बड़ा जतन रिजो बड़ा होशियार रिजो और अगर मैं जीव तो रहूंगा तो फिर आर मिलूंगा नहीं तो मेवाड़ को राज आपके सुपुर्द है और आप कंवर अमर सिंह ने गणा जतन राख जो फिर इन टाइम आप बने बड़ी खुशियों सीख देवो हाँ साहब महाराणी जी बड़ा खुश भी जावे और खुशी हूँ आपरे मन में कोई सोच विचार नहीं बड़ा खुशी और हंसी के साथ महाराणी जी ने विदा करे और अपने सवार है जो चेतक बैठ वाली जो वाहन हो सवारी जो चेतक हो चेतक ने समझावे और महाराणी जी केवे केवे साहब पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज उनकी लाज हो ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का देना है जवाब तुझे शेरों के दहान का देना है जवाब तुझे शेरों के दहान का ये घड़ियां की है तेरे ही जहान की है रखियो रे आज उनकी लाज हो ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े छक्के छुड़ा देना तू दुश्मनों से जाए के छक्के छुड़ाना ना तू दुश्मनों से जाए के उनकी छाती पर चढ़ना अपने पांव पछाड़ के छक्के छुड़ाना ना तू दुश्मनों से जाए के उनकी छाती पर चढ़ना अपने पांव पछाड़ के देना है जवाब तुझे सेनों के दान का महाराणा की जान है तू बिजली का पान है तू रचियो रे आदिनकी लाज हो ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े ओ
छुड़ाना ना तू दुश्मनों के जाए के, छक्के छुड़ाना ना तू दुश्मनों के जाए के, उनकी छाती पर चढ़ना अपने पांव पछाड़ के, देना है जवाब तुझे शेरों के दहान का। मारा किसान है तू, बिजली का पान है तू, रखियो रे आज उनकी बात हो, वो कौन वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, खुद पे सवार है वो, मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उनकी लाज हो, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। बोलो शंकर भगवान की जय। उन टाइम में महाराणा जी बड़ी खुशी हूं आपके तिलक लगावे, चेतक ने तिलक लगावे और बड़ी खुशी महाराणा ने विदा करे। महाराणा हल्दी गार्डन पहुंचे, एक तूफान की तरह आंधी की तरह जावे और आप रण संग्राम में कितने प्रकार है जो वे विजय करवाने की कोशिश करे। राठोड़ी मंगरारो रे पारी सायरा मायने रोड़ गयो सा, ओ हल्दी घाटी में
सोदाना रा फुरसा सोदाना मैले पधार्या लड़ता लड़ता राणा जी सोदाने पधार्या बंद पाया ओ पाछा पधारो अबे मेरे पाछा पधारो था झगड़ा में मर जो जी ओ पाछा पधारो जमघट मच गयो सा जो हदी घाटी में
तूफान की तरह मेवाड़ की फौज मुगल सेना पर टूट पड़े और घमासान युद्ध वेवे रक्त की तलाई भर जावे जो आज रक्त तलाई केवे हल्दी घाटी में मौजूद है। हाँ साहब, और उन टाइम ने मायने जो भगवान कर जो वेवे है अब महाराणा के साथ जो कई वारदात हुए जो आप सुनो। तो चेतक को कटे जो पाव जंग के माई ओ जंग के माई फिर तीन पाव से चलियो रे जावे नाई। युद्ध के माई ओ जंग के माई ओ तीन पावा से चलियो तो जावे नहीं। चेतक की भाई चेतक की भाई फिर देख हालत चेतक ने तो पूछ कराई। तो हल्दी घाटी से चावंड तक गया था आई एक जबरदस्त नाड़ा ने कूद गया भाई। तो फिर भाई शक्ति सिया ने तुरंत बुद्धि तो विचारी हे हिंद वासु मेवाड़ नाथ कणधारी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो उन टाइम रे माने महाराणा देखे तो चेतक बड़ो जोर को काम करे सेना के बीच कूद तो फदक तो और चाल तो बादशाह के हाथी के पास पहुंचे और हाथी के शीर्ष से माता रे माते जैन पग टेके। महाराणा अपना भाला ने ले और बादशाह को पाल की ही हाथी रे माते इन्हें तोड़ देवे। उन टाइम ने मायने हाथी रे सुन में तलवार जो ही ये तलवारों चेटक रे एक पांव कट जावे। हाँ साहब, तो चेटक तीन पांव भेज जावे। महाराणा देख रहे बेटो चेटक को पांव कटी गये। अब तीन पांव चाल वालों नहीं है अश्व मौको देख और चेतक की लगाम खेचे और उठो है जो चेतक ने कूच करावे रवन्ना जो करे और चालता चालता हल्दी घाटी चावंड पट तक पहुंच जावे। रास्ता में वो चेतक एक जबरदस्त नालो आयो जिनने कूद और पहली तीर चले गयो और मुगल सैनिक जो पाछे लाग गया वे वणी नाला नहीं कूद सकिया वना घोड़ा उल्ली तरफ जावे और वो चेतक पहली बार भी जावे। उन समय शक्ति सिंह साथ में हो शक्ति सिंह अना मुगल सैनिक ने दूर कर और उठ रवन्ना वे और भाई साहब के सामने जावे। भाई साहब ने देख और शक्ति सिंह बड़ा विचार में पड़ जावे भाई साहब इन टाइम आफत काल में है बड़ा दुख में है। शक्ति सिंह ने देख और महाराणा एक क्रोध में आवे कि ओ फिर दुश्मन हमारे लारे लागो है कारण कि वो अकबर की सेना में हो। शक्ति सिंह ने देख महाराणा अपने तलवार खींचे शक्ति सिंह पांव में पड़ जावे भाई साहब मारी जो भूल ही इन्हें आप माफ करो माफ करो। दो ही भाई उन टाइम गले लागे और बड़ा खुश हुए। फिर स्वामी भक्त चेतक
आने की तरह देखिए तो चेतक अपना अंतिम श्वास ले रहे हो तो अब स्वामी भक्त चेतक भी छोड़ कर जावे जी छोड़ कर जावे महाराणा चेतक की याद में आंसू तो बहावे ओ स्वामी भक्त चेतक भी छोड़ कर जावे राणा ने परा जावे चेतक की याद में महाराणा आंसू तो बहावे को कियो संस्कार चेतक को कियो संस्कार चांडी के माई जाने देखत आख्या में आंसू भर कर आई तो चेतक कियो संस्कार स्मारक दियो बनाई जाने देख चांड में मेरा नीर भर आई जंगल पहाड़ा में राणा जी दिन में बितावे ओ दिन में बितावे महाराणी कंवर बटे रोड जंगल में आवे तक अंतिम श्वास लेते लेते आखिर महाराणा छोड़न चलो जावे महाराणा अन याद में आंसू बहावे और वणी को दाग संस्कार करे और स्मारक जो बनावे जो आज भी चावण में मौजूद है फिर राजा महाराणा की फौज सब विसर्जन वही जावे तितर बितर वही जावे और जंगल में आपने दुख देखना पड़े महारानी और कुंवर अमर सिंह जंगल में बड़ा परेशान हुए और जंगल में खावारे वास्ते साधन नहीं बैठवारे वास्ते नहीं सोवारे वास्ते नहीं दुख अपना दिन व्यतीत करे जंगल में रहे। हाँ साहब और घास की रोटियां खाता फिर भी जंगल में बड़ी परेशानी हुए और एक रोज कही हुए घास की रोटी खाता खाता अमर सिंह के हाथ में वाबी रोटी बिल्ली लेन चली जावे तो राणा रे मन में एक बड़ो विचार आ जावे और विचार करे रे भगवान अने दुनिया रे मायने में कई जन्म लियो है और कई कारण आयो हूँ राणा विचार करे और केवे अरे घास की रोटी जद बन बिलाड़ो ले भाग्यो नाने सो अमरो चीख फोड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो हूँ घड़ो लड़ियो हूँ घणो जब्यो मेवाड़ री लाज बचावण ने मैं पास नहीं राखी रण में बेरा को खून बहाण में याद करो हल्दी घाटी नेणा में रक्त उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतक सुतो हूं जागे ये प्रकारों आपने एक ही जो याद आवे और आंसू बहावे और के मैं मेवाड़ नाथ हूं लेकिन आज दुख देख रहे हूं हाँ सर तो उन टाइम आपके मंत्री भामाशाह घूमता घूमता आवे और महाराणा ने कहे महाराणा यह संपत्ति है सब आप ही है और मारो इनमें कहीं नहीं है आप इन्हें लगाओ और यह मेवाड़ की संपत्ति इन्हें आप काम में लो और मारो कुछ नहीं है तो आपकी धन की पोटली बांध गांठ बांध रुपयारी मोरारी और महाराणा के सामने भेंट करे महाराणा वणु फिर अपन युद्ध की तैयारी करे और आखिर महाराणा की अंतिम इच्छा ही एक बार में और यज्ञ लड़ूं
अंत में एक बार आखेट खेल महाराणा पधारे तो जंगल में चालता चालता एक तीर को निशान आपके पैर में लग जावे और वही तीर को घाव अनेक प्रकार दुख देवा लागो दर्द करवा लागो आखिर महाराणा की कई औषधि दवाई काम नहीं आवे नहीं आवे कितने ही वैद्य आपकी इलाज करे लेकिन वापस इलाज हारे नहीं आवे और वो है जो सांप नहीं वेवे महाराणा का अंतिम क्षण वेवे अंतिम टाइम आई जावे उन टाइम सभी रजवाड़ा ने सरदाना ने बेड़ा कर और केवे रजवाड़ा मारी एक इच्छा है हाँ प्रतिज्ञा दिलावे मैं आपने आया या प्रतिज्ञा दिलाऊं यदि आप अपनी मातृभूमि की रक्षा करोगा और कहीं की गुलामी आदिनता स्वीकार नहीं करोगा या प्रतिज्ञा करो तो मारो प्राण छूटेगा बाकी नहीं छूटे हाँ साहब तो उन टाइम ने मायने सभी सरदार अपनी तलवार निकाल और तलवार खड़ी कर महाराणा के सामने प्रण करे कि मैं आपका वचन नहीं मानूंगा और मैं कहीं की आदिनता स्वीकार नहीं करूंगा हमेशा नहीं मातृभूमि की रक्षा करूंगा और मैं अपनी आन और प्रतिज्ञा बैठल रेवांगा फिर महाराणा इस संसार को हर हमेशा के वास्ते परलोक प्रस्थान करें प्रजा पालन में वारनाथ ससुधारी नाथ ससुधारी सूर्य मेवाड़नाथ प्रणधारी